दोस्तों बीच मैदान में ही अंपायर से भिड़ गए केएल राहुल और उनके फैसले के खिलाफ यहां पर जो बगावत शुरू कर दी बीच मैदान में। दोस्तों आपको बता दूं, पूरी बात दरअसल पंजाब और बैंगलोर के बीच चल रहे मुकाबले के 8वें ओवर में जब रवि बिश्नोई गेंदबाजी कर रहे थे तो स्ट्राइक के ऊपर मौजूद थे देवदत्त पाटीकर। उन्होंने रिवर्स शॉट खेला जो कि उनके ग्लव्स को छूकर जो है एक कैच वहां पर केएल राहुल ने अपने हाथों से पकड़ा और उसके बाद वे अपील करने लगे और फिर अंपायर ने उसे नॉट आउट करार दिया। इसके बाद उन्होंने जो है डीआरएस की मांग की और डीआरएस में जो है साफ साफ स्नीको मीटर के ऊपर वहां पर जो स्पाइक नजर आ रही थी जो कि उनके ग्लव्स को छूने के समय थी। अब इस पर जो है ऑनफील्ड अंपायर के साथ थर्ड अंपायर ने जो है नॉट आउट का डिसीजन दिया जिसके बाद जो है केएल राहुल भड़क गए और अंपायर से जाकर भिड़ गए और उनके साथ जो है विवाद करने लगे। ऐसे में उनके साथी खिलाड़ी सरफराज खान और रवि बिश्नोई भी केएल राहुल का साथ देते हुए दिखे। अब इसमें आपको क्या लगता है, गलती किसकी थी, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।